कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और कैसा था बाहर सब? बढ़िया था ना? क्या ही है, पानी दो ना। पानी तो पीना ही पड़ेगा, हमने बहुत खाना खाना खाया। हमको ना गलत बात करके मारने के साथ सुनो, ये शक्लें देख के लग रहा है कि वो मिलने के लिए आए हैं, ये थोड़े देख के किसी को देख कुछ पुराने रिश्ते याद आए और याद आए कुछ पुराने जख्म। ये कहा था ना कि फेस तुझे नहीं कर पाओगे वो तुझे नहीं कर पाएगी। अब देख रहे हो उसकी हालत, आज भी टेंशन दे रही है और अभी सारी नेगेटिव सब चीजें थॉट्स निकाल। अभी रूपा है तेरे साथ, हम हैं, तेरा पूरी फैमिली है, इनको छोड़ जो सब नेगेटिव। अब जस्ट एंजॉय दीज डेज। पूजा गई बाहर यहाँ से, उसने ऐसी बुरी बुरी बातें हैं मेरे और मेरी मम्मा के बारे में कही, दुनिया ने पूरी सुनी और काफ़ी अपनी टिप्पणियाँ दी मम्मा को और मेरे को लेके। जहाँ तक मुझे अभी तक लगा कि वो आँख भी नहीं मिला पाई मेरे से, मतलब मैं देख रहा था कि अगर तो सच्ची है, अगर तो सच में दम है इसमें लड़की में, तो आँख मिलाए मेरे से। पर अफसोस कि वो इतनी गलत थी, इतना उसने गलत बोला बाहर, पूरी दुनिया देख लेगी, आँख भी नहीं मिला पाई हमसे। अच्छा अब मेरे पास भी एक खुशखबरी है, यहाँ की खुशखबरी तो हम लोग ने सुन ली। ये जो खुशखबरी है ये इसमें छिपी हुई है, मैं आपको बताऊं, इससे अच्छा होगा कि मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है? ठीक है, तो रेडी फॉर द सरप्राइज। आ जाओ, खड़े हो जाओ। आप बहुत कुछ पाया, शायद ये इस जरिए से मेरा जीवन साथी नहीं मिलना लिखा था, मैं आगे अपना जीवन साथी ढूंढूंगी। को पहचान लिया और हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लक्स परफेक्ट बॉय की, जिन्होंने मुझे अमृता की वो झलक दिखाई जो शायद लड़की देखते पर नहीं दिखाई देती। आपने और लक्स परफेक्ट बॉय की टीम को मेरे और अमृता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे का मुंह मीठा कर अमृता की शादी की खुशियां मनाई गईं और अब रुम्पा और हितेश को दी जा रही है बधाई। फाइनली हितेश, द डे हैज कम, आ गया वो दिन। अभी शादी बस कुछ ही दिन में है, तो मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, आई होप। थैंक यू आप लोग, आप आए, हम भी बड़े। वो तो आना ही था यार, आना ही था, रौनक लगाने तो आना ही था ना। बिल्कुल। जो सबसे अच्छी चीज मेरे को लगती है आपके रिलेशन में, जनरली क्या होता है कि एक परफेक्ट कपल तो होता है, साथ में बोलता हूँ फैमिलीज का भी जो मैच है बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो होपफुली आगे लाइफ जो बहुत ही स्मूथ जाने वाली है, स्मूथ ही चले बस मैं तो। एंड आई थिंक शो पर जो परफेक्ट कपल है वो आप लोगों का ही है। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस, हार्टी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, ऐसे ही हमेशा खुश रहना। विश यू ऑल द लक एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। वाओ, थैंक यू सो मच।
याद दिला दो, तुम्हें हाय नहीं बोला अभी तक। मेरे लिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है, कल को अगर रितेश की मम्मी पापा भी मेरे से शादी नहीं मना कर देते, मेरे को बाहर जाके कौन शादी करेगा मेरे से। अरे यार।